आप देख रहे हैं गुरुज्योति पत्रकार न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर। नियुक्ति की मांग को लेकर बारिश में भी जारी शिक्षा निदेशालय पर 5वें दिन धरना, मुर्गा बनकर व नारेबाजी करके किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षक संघ रेस्टा ने उचित कार्रवाई करते हुए बारिश में धरना दे रहे अभ्यर्थियों का धरना समाप्त करवाने की मांग। राज्य में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ ही आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश में भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित होने वाले स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए चल रही ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्व की भांति हुई भर्तियों की तरह पात्र मानने की मांग को तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के आगे 5वें दिन भी धरना जारी रखा। अपनी मांग के जल्द समाधान के लिए बारिश में अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय के मुख्य द्वार पर मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा इस भीषण गर्मी व बारिश में भी 5 दिन से धरना दिया जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका संघ विरोध करता है और राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग करता है कि जल्द ही उचित कार्रवाई करते हुए धरना खत्म करवाया जाए, नहीं तो संघ की ओर से भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की होगी। इस अवसर पर शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत, जिलाध्यक्ष सीताराम डूडी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव, जिला महामंत्री पवन शर्मा, जिला सभाध्यक्ष गोपाल शर्मा, तृतीय श्रेणी शिक्षक विशेष शिक्षा संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विकास शर्मा, बीकानेर प्रदेश सचिव अजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रवीण यादव, प्रदेश प्रवक्ता पवन कुदाल, प्रदेश महामंत्री अनमोल जांगिर, प्रदेश संरक्षक रामलाल, प्रदेश प्रचार मंत्री इंद्राज सोनी, प्रदेश संगठन मंत्री अशोक भामू आदि मौजूद रहे।